नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है मंगलवार व्रत कथा। ये पौराणिक कथा है हरि प्रेमियों। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। हरि प्रेमियों, आइए जानते हैं ये प्रमाणिक पौराणिक कथा जो मंगलवार की है, जिसका व्रत रहो या ना रहा जाए तो कथा को जरूर सुन लीजिए। वो भी आपको कथा व्रत रखने का पूरा लाभ देती है। हरि प्रेमियों, कथा ऐसे है। ऋषि नगर में केशवदत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका नाम अंजलि था। केशवदत्त के घर में धन संपत्ति बहुत थी। धन संपत्ति की कोई भी कमी नहीं थी। नगर में सभी केशवदत्त का आदर सम्मान करते थे लोग। लेकिन केशवदत्त के घर संतान नहीं थी। संतान ना होने के कारण केशवदत्त व उसकी पत्नी अंजलि बहुत ही चिंतित रहते थे। दोनों पति पत्नी हर एक मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते थे और विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए बहुत वर्ष बीत गए। दोनों के दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत निराश हो गए, लेकिन उन्होंने व्रत करना बिल्कुल नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद केशवदत्त ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा करने के लिए वन में चला गया। उसकी पत्नी अंजलि घर में रहकर मंगलवार का व्रत करती और उसकी पूजा करती विधिवत से। दोनों पति पत्नी बेटे की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत रखते और नियम और विधिवत करते। अंजलि ने अगले मंगलवार को फिर से व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश उस दिन वह हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी। उस दिन वह सूर्योस्त के बाद भूखी ही सो गई। अगले मंगलवार को हनुमान जी का भोग बिना लगाए ही उसने भोजन नहीं करने का प्रण कर लिया। 6 दिन तक अंजलि भूखी प्यासी रही, क्योंकि उसने मंगलवार के दिन भोग नहीं लगाया था। इसलिए वह अपने पछतावे की वजह से उसने भोजन नहीं किया। और 7वें दिन मंगलवार को फिर से अंजलि ने हनुमान जी की पूजा की और व्रत किया, लेकिन तब भी भूख और प्यास के कारण अंजलि बेहोश हो गई। हनुमान जी ने अंजलि को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा और से पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ और तुम्हें सुयोग्य और सुंदर पुत्र होने का वरदान देता हूँ। यह कहकर बजरंगबली हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन अंजलि की आँख खुली। तत्काल अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और खुद भी भोजन किया। हनुमान जी की ऐसी अनुकंपा से अंजलि ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम भी मंगल प्रसाद रख दिया गया। कुछ दिनों के बाद अंजलि का पति केशवदत्त भी जंगल से वापस घर लौट आया। उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, अंजलि, यह इतना सुंदर बच्चा किसका है? अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और बेटे की प्राप्ति का वरदान देने की सारी कथा अपने पति को सुना दी। लेकिन केशवदत्त को उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में पता नहीं कहां से एक कलुषित विचार आ गया और अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है। अपने पापों को छिपाने के लिए अंजलि मुझसे झूठ बोल रही है।
केशव दत्त ने उस बच्चे को जान से मार डालने की योजना बना ली। एक दिन की बात है, केशव दत्त स्नान के लिए कुएं पर गया। मंगल भी उसके साथ कुएं पर चला गया। केशव दत्त ने मौका देखते ही मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर अंजलि से बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे साथ गया ही नहीं। केशव दत्त के इतना कहने के बाद ठीक मंगल दौड़ता हुआ घर वापस लौट आया। केशव दत्त मंगल को देखकर बहुत बुरी तरह आश्चर्यचकित हो उठा। उसी रात हनुमान जी ने केशव दत्त को सपने में दर्शन देते हुए कहा, केशव दत्त, मैंने तुम्हें मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वरदान अंजलि को मैंने ही दिया था, फिर तुम अपने पत्नी पर शंका क्यों करते हो। उसी समय केशव दत्त ने अंजलि को जगाकर अंजलि से क्षमा मांगी और स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी अंजलि को सुना दी। केशव दत्त ने अपने बेटे को अपने हृदय से लगा लिया और बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशव दत्त और उनके परिवार के सभी कष्ट दूर हो गए। इस तरह जो भी स्त्री पुरुष विधि पूर्वक मंगलवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, हनुमान जी उनके सभी कष्टों को दूर करके धन और संपत्ति का भंडार भर देते हैं। शरीर के सभी रक्त विकार और रोग भी खत्म हो जाते हैं। हरि प्रेमियों, आपको ये मंगलवार की व्रत कथा कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें हौसला मिलता है। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। हरी प्रेमियों, धन्यवाद।